मिर्चे फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक हैं। चलें जी, आज की वीडियो हमारी होने वाली है बहुत प्यारी, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, आपकी फेवरेट होने वाली है, और आप सब ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने हेयर स्टाइल की तरफ। चलें जी, तो सारे बालों को हमने ऑफ कैमरा जो है वो कॉमिंग कर ली थी। अब हमने सारे बालों को रबर बैंड लगा देनी है अच्छी तरह से टाइट करके। रबर बैंड जो है वो हम लगा देंगे, कोई भी बाल हमारा जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए। सारे बालों को हमने अच्छे से रबर बैंड जो है वो लगा देनी है, ठीक है? ये देखिए, ये हमारी पोनीटेल जो है बन चुकी है अभी, ये देखें, सही है? और जी, अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, बट बहुत ही जो है ना वो काम का हेयर स्टाइल है, मतलब कि हमारी डेली रूटीन में ये बहुत काम आने वाला है और आप सबको आना चाहिए, और इनफैक्ट कि ये आप सबको आएगा भी। अगर आप देखोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, और ये सब आप जितनी भी लड़की हैं वो खुद बना सकती हैं ये वाला हेयर स्टाइल। इसको बनाने में कुछ भी आपको जो है वो मुश्किल पेश नहीं आने वाली, ठीक है? इस पोनी टेल के हमने 3 सेक्शन कर लेने हैं। 3 हिस्से करने के बाद हमने जी एक हिस्से को पकड़ना है, और फिर उस एक हिस्से के हमने 3 हिस्से बना लेने हैं। यानी कि जैसे हम सादी चुटिया करते हैं, सिंपल ब्रेड जो हम बनाते हैं वो हमने बनानी है। पोनी टेल के हमने 3 हिस्से किए, एक हिस्से की हम जो है फिलहाल के लिए ब्रेड बना रहे हैं, और ये हेयर स्टाइल होने वाला है बहुत अच्छा, आपको बहुत पसंद आने वाला है, और आप खुद भी आपका बनाने को दिल चाहेगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में ना बहुत ही ये यूजफुल है हेयर स्टाइल, तो आप सबका बनाने को दिल चाहेगा। एक तो सारे बाल कवर हो जाते हैं, घर के काम जो है करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बाल आपको तंग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बाल जो हैं वो तंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर ओपन होते हैं कोई भी काम करते हैं ना, आगे आ जाते हैं, फेस पे आ जाते हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब बन जो है ना इंसान होता है। तो इसीलिए हम कंफर्टेबल रहने के लिए ऐसा हेयर स्टाइल आप लोगों के लिए लेकर आए जो कि बहुत आसान हो, और उसको बनाना आसान हो बट वो अच्छा भी लगे। ये देखिए, ये हम जी ब्रेड बना रहे हैं, और जब इसको मुकम्मल करके फिर मिलते हैं। चलें जी, अब एक जो हमने है ये ब्रेड जो है वो बना ली है, ये देखें, एक हमने ब्रेड ये पूरी बना ली, ठीक है? अब ये जो हमारा पोनी टेल के हमने 3 हिस्से किए थे, अब ये जो दूसरे वाला है ना, इसकी भी हमने ऐसे ही ना लॉन्ग जो है वो इस तरह की सादी चुटिया जो है वो बना लेनी है पूरे बालों की, ठीक है? और जी, इसको बना के फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, अब ये दूसरी भी बन गई हमारी फुल, ठीक है? अब जो हमारी पोनी टेल का 3rd सेक्शन था, हमने उसकी भी सेम ऐसे ही ब्रेड बनानी है जैसे हमने ये वाली 2 जो हैं बना ली है, सेम ऐसे ही हमने वो वाली ब्रेड बना लेनी है, उसको मुकम्मल करके फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, अब हमने जी एक पोनी टेल करके 3 सादी चुटियां बना ली हैं, ये देखें 3 ब्रेड्स हमारी बन चुकी हैं, सही है? ये देखें आप अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने ये 3 जो ब्रेड है ना, इसकी एक सिंगल चुटिया बना लेनी है, ठीक है? जैसे हम सिंपल चुटिया बनाते हैं जब, तो उसके 3 ही सेक्शन लेते हैं ना, तो ये 3 ब्रेड हमारी बन गई। अब इन 3 के साथ हमने एक सादी चुटिया बनानी है, इससे आपकी ब्रेड एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, दूसरा इसमें जो है वो वॉल्यूम भी ऐड होगा, तो आपकी ब्रेड जो है ना अगर थिन है तो वो थिक लगेगी, थोड़ी सी भरी भरी सी लगेगी और खूबसूरत लगेगी, यूनिक लगेगी। अभी आपको फाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगी तब भी ये आपको बहुत जो है ना पसंद आने वाली है। करीब से दिखाऊंगी ना मैं आपको, तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी।
ट्रेड्स है ना, ये बहुत ज्यादा इन है और ये आजकल बहुत ज्यादा ना इन है और सब लोग ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर करूं और आप लोग भी इसको बनाएं। ये देखिए करीब से देखें। कितनी प्यारी नीट और अच्छी सी लुक आ रही है इस ब्रेड की, बहुत ही फैंसी ब्रेड ये लग रही है, बट आप इसको डेली रूटीन में भी बना सकती हैं। जी इसको ऐसे भी करके ना हम फोल्ड करके पे भी कोई चीज लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप कोई भी रबर बैंड लगा लें, रिबन लगा लें, कोई क्लिप लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल है ना, आप वो यूज करके आप इसको यू फोल्डेड ब्रेड भी बना सकती हैं, तो ये तब भी बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छी लगेगी। ये डबल हो जाएगी। हाँ ये डबल हो जाएगी और वॉल्यूम इसमें आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ लगाते हैं, ये देखें ब्लैक रिबन लगा दिया। ये हमने इसको फोल्ड करके यहाँ ब्लैक रिबन जो है ना वो लगा दिया। ब्लैक बालों पे ब्लैक रिबन नजर नहीं आता, बट बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि ब्लैक रिबन जरूर ऐड करें जब ब्रेड वगैरह बनाए, तो इसीलिए ब्लैक ब्लैक जो है वो रिबन यूज किया। ये देखिए आप, चलें आ जाए सामने आ जाए। तो देखा आपने कि हमने एक सिंपल सी टेक्निक यूज की, हमने पोनी टेल की 3 ब्रेड्स बनाई और उसकी एक चुटिया बना के, तो हमने एक जो है ना वो यूनिक ब्रेड स्टाइल जो है वो बनाया, और ये आपने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है और इजी चीज़ें बनाते हुए भी अगर आप लेज़ी होंगी तो फिर कैसे बात बनेगी। लेज़ी नहीं होना आपने, और ये वाली ब्रेड जल्दी से अभी वीडियो आपने देख ली अगर, तो फ़ौरन से ना ये बनाने लग जाए। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, आप खुद देखें, ये है ना कमाल की चीज़। ये देखें बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, और ब्लैक रिबन ऐड हो गया है तो वो और नीट एंड क्लीन जो है ना वो लुक आ गई है। ये देखिए इसको यहाँ आगे रखते हैं, ये देखिए कितना वॉल्यूम क्रिएट हो गया और भरी भरी सी जो हमारी ब्रेड लग रही है। चलें जी, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।